नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद कोच पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस YouTube चैनल स्टडी विद कोच का मुख्य उद्देश्य है कि आपके सवालों का निरंतर जवाब देना। बैंकिंग एग्जाम का बहुत ही तगड़ा सीजन चल रहा है, बैंकिंग एग्जाम एक के बाद एक आ रहे हैं, सभी लोग बैंकिंग एग्जाम के पीछे पड़े हुए हैं और सवाल भी जो है बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड इतने सारे आ रहे हैं कि उस पर बार बार वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जी IBPS PO, ध्यान से सुनिएगा, IBPS PO और क्लर्क के एग्जाम कब कब होंगे। एक वीडियो मैंने बता दिया है कि IBPS PO का नोटिफिकेशन कब आएगा। एक वीडियो अब मैं ये लेकर आया हूँ जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि भाई बच्चे पूछ रहे हैं। इसके अलावा एक बात और जो कुछ बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया, RTI का रिप्लाई किस पर, रीजनल लैंग्वेज पर, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज इशू की वजह से IBPS क्लर्क का जो 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका था वो होल्ड पर चला गया था। तो उस पर RTI, एक बच्चे ने RTI अप्लाई किया, उस पर रिप्लाई आया RTI की तरफ से कि भैया रीजनल लैंग्वेज का इशू में क्या प्रोग्रेस है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि IBPS क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन कब आएगा। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि IBPS क्लर्क 2021 के अगर हम एग्जाम की बात करें, अगर एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम दिसंबर फर्स्ट और सेकंड वीक में होना है, ठीक है भैया, दिसंबर फर्स्ट और सेकंड वीक में होना है। और अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम के एस्पिरेंट है या आप लोग बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि बैंक एग्जाम के नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट के बीच में लगभग 45 से 60 दिन का अंतर होता है, लगभग 45 से 60 दिन का गैप होता है। अगर 45 से 60 दिन का गैप है तो भैया बहुत आसानी से मैं क्या कोई भी बच्चा कह सकता है कि अक्टूबर लास्ट और मैक्सिमम नवंबर फर्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं कि भैया अब बात करते हैं रिप्लाई के बारे में कि RTI का रिप्लाई क्या है। तो मैं आपको बता दूं RTI का रिप्लाई क्या देखने के लिए मिला है। RTI जो बच्चों ने अप्लाई किया था वहां पर RTI की तरफ से रिप्लाई आया है कि अभी जो है ये जो रीजनल लैंग्वेज का इशू है ये अभी भी अंडर प्रोसेस है। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज स्टिल अंडर प्रोसेस। एक जो PDF या एक जो फोटो है वो पूरे टेलीग्राम पर वायरल हो रखी है। अगर आप सब लोग चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम स्टडी विद कोच पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने टेलीग्राम स्टडी विद कोच पर शेयर कर दूंगा उस RTI रिप्लाई का फोटो भी, ठीक है। जो बच्चे ने RTI अप्लाई करा था तो उस पर रिप्लाई आया है कि भैया ये जो है अभी अंडर प्रोसेस है। अब अंडर प्रोसेस, यहां पर तो लिखा हुआ अंडर प्रोसेस और मैं बता रहा हूं कि आपको अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो भैया ये जो अंडर प्रोसेस का मतलब है कि हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि ये जो रीजनल लैंग्वेज का इशू है ये अपने अंतिम कगार पर हो, ठीक है, ये अपने अंतिम कगार पर हो या ये बिल्कुल एंड प्रोसेस इसका चल रहा हो। लेकिन अंडर प्रोसेस कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी ये स्टार्टिंग पे ही है, हो सकता है कि ये खत्म होने वाला भी हो, ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छा अपडेट ये है कि रीजनल लैंग्वेज का जो इशू है बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। अभी ये अंडर प्रोसेस है, अभी अंतिम छोर पर है। और इसके अलावा जो IBPS क्लर्क का 2021 का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा वो कब देखने के लिए मिलेगा, अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक में। और वैकेंसी कितनी होंगी, वैकेंसी भी मैं आपको बता दूं भैया, वैकेंसी 6500 के आसपास होंगी, 6500 प्लस सबसे ज्यादा वैकेंसी अपनी मिलने वाली है इसके अंदर। एक बात मैं और बता दूं, अगर आप बैंक एग्जाम 2021 की तैयारी करें तो भैया आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, जाओ, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन फील्ड में और पिंड कमेंट में भी, बहुत ध्यान से सुनना, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे तैयारी करनी है पिंड कमेंट में भी। तो जाओ ऐप डाउनलोड कर लो और अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट के साथ, बहुत ही उमदा क्वालिटी का मॉक टेस्ट है, वीडियो क्लासेस दी हुई है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करो और इस बैंक एग्जाम को पार करके ही दम लो। तो भैया इस वीडियो में इतना ही बताना था, धन्यवाद।